आज हमारे पास में है दो वायरलेस माउस। तो ये वाला है लॉजिटेक का M171 और ये है एंड का सपोर्ट GM400W। तो ये इसका मॉडल नंबर है। तो ये दोनों ही माउस अपने आप में बहुत बढ़िया और बहुत कमाल की चीज है, लेकिन मैंने इसे दोनों में से कोई एक माउस रखना है तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बना करके आपको भी बताऊं कि इन दोनों में से कौन सा माउस बेहतर है। अगर आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए एक वायरलेस माउस लेना है तो आपको इस वीडियो की मदद से समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। वैसे ये गेमिंग माउस है और ये नॉर्मल माउस है जिसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं, स्क्रॉल बटन, लेफ्ट और राइट बटन, और इसमें आपको मिलते हैं 6 बटन जिसमें आपको साइड में माउस के साइड में भी 2 बटन मिलते हैं और लेफ्ट राइट और स्क्रॉल वाला और एक डीपी कम ज्यादा करने के लिए। तो मैंने ये दोनों अमेज़न से मंगाए हैं और मुझे दोनों में से एक रखना है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा वही रखूंगा और मैं बताऊंगा कि इन दोनों में क्या क्या खासियत है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सस्ता है और ये वाला महंगा है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा खासियत है और इसके अंदर कम खासियत है। और ये अभी नई कंपनी आई है एंट स्पोर्ट। इस कंपनी के आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे एसेसरीज मिल जाएंगे, जैसे कि लीड वगैरह, वायर वगैरह, माउस, कीबोर्ड, पीसी वगैरह, तो इस तरह के बहुत सारी चीजें मिलती है, यहाँ तक कि रैम भी मिलती है, गेमिंग वाली रैम, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए एंट स्पोर्ट कंपनी जो है अभी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एंट की भी लेकर के देखते हैं। और काफी सस्ती है और ये बहुत ज्यादा महंगी है। तो चलो इन दोनों को चालू करते हैं मेरे पीसी के अंदर और देखते हैं कि दोनों में से कौन सा बढ़िया है। तो चलो दोनों के डब्बे खोलते हैं, दोनों में क्या क्या चीजें आई है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं ये लॉजिटेक का माउस खोलता हूँ, इसमें देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। मैं इसे पूरा नहीं फाड़ूंगा, इससे हमें लिमिटेड फाड़ना है ताकि हमें इन दोनों में से एक बढ़िया तरीके से रिटर्न कर सके। तो ये देखिए ये हमने निकाल लिया है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बाकी ये सारी चीजें खाली है। तो यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रखी है वगैरह वगैरह। और इसके साथ में हमें शायद मिलता है एक सेल, बिल्कुल इसके साथ में हमें मिला है डूरो सेल। ये देखिए इसे इस तरह से निकाल देंगे तो ये चालू हो जाएगा और इसी के अंदर दे रखा है यूएसबी डाटा, ये रहा। तो इस यूएसबी को हमें कंप्यूटर यूएसबी में लगा लेना है, लैपटॉप के यूएसबी में लगा लेना और ये चालू हो जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है ऑन ऑफ का स्विच। तो ये हो गई इसकी अनबॉक्सिंग, इसे रखते हैं साइड में, इसे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज है। तो ये डब्बे के अंदर ये कवर है, इसे रखते हैं साइड में और ये है हमारा माउस। वाह देख रहे हो कितना प्रीमियम कलर इसका दिख रहा है, डुअल शेड में इसका कलर है, ऊपर से पर्पल और साथ में ब्लू कलर। और ये देखिए ये साइड में 2 बटन दे रखे और ये है लेफ्ट राइट बटन, ये है स्क्रॉल और ये है डीपी कम ज्यादा करने के लिए। और इसमें RGB लाइट है और यहाँ पे दे रखा है ऑन ऑफ का स्विच और ये है इसका डाटा यूएसबी डाटा। और साथ में दे रखी है एक सी टाइप यूएसबी केबल इसे चार्ज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे चार्जिंग वाला ऑप्शन है। तो चलो अब इसे मैं इसे चालू करके दिखाता हूँ, दोनों को ही मैं एक साथ चालू करता हूँ, दोनों के ही मैं यूएसबी जो है कंप्यूटर में लगा लेता हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे दोनों के यूएसबी लगा दिए, यूएसबी पोर्ट, और अभी दोनों के दोनों चालू होने चाहिए। मैंने स्विच ऑफ कर रखा है, इसे मैं ऑन करता हूँ। तो ये देखिए ये एक्टिव हो गया और ये देखिए इसमें ये हल्की सी जो है RGB लाइट है इसके अंदर, जो कि कलर चेंज होती है। देखिए ग्रीन हो गई, ये ब्लू कलर हो गया, डार्क ब्लू हो गया और ये देखिए येलो कलर बन रहा है। ओके येलो कलर बन गया। तो इस तरह से ये अलग अलग कलर है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि इस वजह से इसका जो है बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम हो सकता है, तो हम इसे चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए ये चल रहा है, इसे मैं हटाता हूँ। ये देखिए आराम से चल रहा है और इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ और मैं यही अभी चला रहा हूँ। ये देखिए आराम से रिफ्रेश हो रहा है, इसी को चला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये है इसकी खासियत। और इसके अंदर एक और चीज देखिए, ये जो लेफ्ट और राइट वाले बटन है ना, ये देखिए इसमें कोई आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल हल्की सी आवाज आ रही, बिल्कुल हल्की सी। और स्क्रॉल वाले बटन में भी कोई आवाज नहीं है, मतलब कि बिल्कुल साइलेंट है। बाकी यहाँ पे बटन दबाते हैं तो ये देखिए बिल्कुल आवाज नहीं है, बिल्कुल भी। तो ये एक बढ़िया चीज लगी मुझे। तो चलो इसे रखते हैं साइड में और अब चेक कर लेते हैं ये वाला माउस, इसे भी मैं ऑन कर लेता हूँ। और ये देखिए ये ऑन हो चुका है और ये देखिए ये आपको नजर आ रहा है, ये देखिए चालू हो गया। और इसके अंदर देखिए आवाज, तो इसके अंदर आवाज बहुत ज्यादा है और इसके अंदर जो है बिल्कुल साइलेंट है। तो ये एक खासियत बड़ी मस्त लगी मुझे। और इसमें अगर डीपी चेंज करना है तो आपको यहाँ पे बीच में प्रेस करना पड़ेगा, डीपी चेंज होते ही ये जो है ना स्पीड इसकी माउस की बढ़ जाएगी। डीपीआई चेंज करने के लिए यहाँ पे एक बटन दे रखा है, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए ये रहा माउस, इसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। तो देखिए अब मुझे फाइनली जो है ये वाला पसंद आया माउस, क्योंकि ये काफी बढ़िया है। इसके अंदर जो है आवाज भी बहुत कम है, स्पीड भी इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं माउस की। और ये देखिए माउस कितने जल्दी जल्दी भाग रहा है, इसकी डीपीआई कम करेंगे तो इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। और इसका जो स्मूथनेस है ना वो मुझे काफी अच्छा लगा, ये एक बहुत बढ़िया चीज है इसके अंदर। तो कुल मिला के बात ये रही इसके अंदर, ये जो लॉजिटेक का माउस है इसकी
स्पीड माउस की नॉर्मल है, मतलब कम ज़्यादा नहीं होती है। मैं इसमें अगर बीच में क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में ये चलता है। देखिए बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में चलता है। और इसके अंदर जब मैं डीपी वाले बटन को कम ज़्यादा करता हूँ तो वो 1200, 2400 और 3200 तक आराम से जो है स्पीड कम ज़्यादा होती है। और इसमें ये जो लेफ्ट में बटन दे रखे हैं इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। वैसे तो ये गेमिंग माउस है लेकिन आप इसमें अगर नॉर्मली काम कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम कर रहे हो, तो हम इसके ऊपर फंक्शन की को ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं तो उसमें अगर वीडियो प्ले कर रहे हैं तो वीडियो को अगर बीच में से कट करके आगे के शॉट को उड़ाना है, डिलीट करना है, तो वो ऑप्शन आप इसमें रख सकते हो। मतलब कि चलते चलते आप उसको कट करना है तो एकदम से क्लिक कर दो, वो कट हो जाए। तो ये सारी सेटिंग आप इसमें बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है आपको अमेजोन पे देखने को मिलेगी 550 रुपए के आसपास, और इस लॉजिटेक की आपको प्राइस देखने को मिलेगी 860 रुपए, 870 रुपए के आसपास। मतलब कि दोनों के अंदर जो है 300-400 रुपए का अंतर है। तो ये मुझे काफी महंगा पड़ा और ये मुझे सस्ता पड़ा, जबकि इसके अंदर चार्जेबल बैटरी है इनबिल्ट और इसे आप आराम से यूएसबी के जरिए चार्ज कर सकते हैं। और अगर बैटरी इसके अंदर खराब हो जाती है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। इस वजह से ये मुझे माउस जो है ज्यादा पसंद आया। इसमें आप चार्ज करके इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें आप बैटरी चेंज करोगे तो ही आप इसे काम में ले सकते हो। क्योंकि माउस अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो और आपका वर्क ज्यादा है वीडियो एडिटिंग या गेमिंग वगैरह के लिए, तो आप इसे आराम से ले सकते हो। ये मुझे काफी यूजफुल लगा। तो बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय।